का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार की तरफ से कहा गया कि शांति की बात सरकार बोल रही है। किससे शांति, मतलब पीस टॉक की बात कर रही है? किसके साथ? किसानों के साथ। किसानों को पीस टॉक की जरूरत नहीं है, किसानों को एमएसपी की जरूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेंशन। और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, लखमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेणी और उनके लोगों ने जिस किसानों को मारा है, कुचला है, उनको पूरी तरह से नुकसान भरपाई, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। कौन से पिस्टॉक की बात सरकार कर रही है? कौन सा पिस्टॉक? आप क्या किसानों को अपना गुलाम मान रहे हो? आप जालियन वाला बाग करने वाले हो क्या किसानों के बारे में? जिस तरह से बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया है, अब तो सिर्फ ये लाना बाकी है मिसाइल्स उनके ऊपर दागने के लिए। किसान क्या देशद्रोही है क्या? देश के दुश्मन है? बात करो उनसे और मसला निकालो, हल करो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में कहा और प्रधानमंत्री जो फंड है उसके बारे में। देखिए, एमएसपी अगर किसानों को देने पड़ती है, उनकी जो मांग है जिस उत्पादन के बारे में, तो सवा दो लाख करोड़ का ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ सकता है। और मुझे लगता है हमारे जो विश्व गुरु है, जो अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे विश्व में और पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनके लिए 2.25 लाख करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। गौतम अडानी को बुलाइए, उनके किस्से में हाथ डालिए, सरकार का ही पैसा है ना, सब निकालिए और किसानों को दीजिए। क्यों नहीं दे रहे आप? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए आपके पास 10,000 करोड़ आपको मिलता है, आपके पार्टी को पीएम केयर फंड में 2 लाख करोड़ जमा होता है, अता पता नहीं किससे आता है। लेकिन जब किसान अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको उनके ऊपर टीयर गैस छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर बंदूकें चलाई जाती है। तो ये पीस की बात जो है वो आप करिए। मराठा आरक्षण का फैसला नहीं है, हम सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव मंजूर किया है, एक विधेयक मंजूर किया है, एक बिल मंजूर किया है कि मराठा समाज को भी 10% आरक्षण उसमें आप लागू होगा। लेकिन जो नेता है मराठा समाज के, उनको ये मंजूर नहीं है। और आज वापस मुझे लगता है मनोज जरांगे पाटिल जो उनके नेता है, उसने आज सभी की बैठक बुलाई है उनके कार्यकर्ताओं की और उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार तो क्या चंडीगढ़ के मेयर से लेकर मराठा आरक्षण तक सबको उल्लू बना रही है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है। सर, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है, महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है, शिवसेना के अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगे इलेक्शन की, किस तरह से? हम सब मिलकर सीटें डिक्लेयर करेंगे। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे शिवसेना, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस, चाहे वंचित बहुजन आघाड़ी, हम सब मिलकर अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगे, एक साथ डिक्लेयर करेंगे। चंडीगढ़ जो मामला है, बीजेपी का फॉर्मूला बनेगा 340 बार 370 बार, ये फॉर्मूला बीजेपी इलेक्शन में यूज करेगी? तो चंडीगढ़ में यूज किया है सर, अब तक 10 साल में यही फॉर्मूला यूज किया है और इसीलिए आपको जीत मिली है। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे छोटा चुनाव हो, यही चंडीगढ़ फॉर्मूला जो एक्सपोज हुआ है, यही फॉर्मूला से आप लोग जीते आए हैं। ना मोदी की लहर है, ना राम की लहर है, ना मोदी की लीडरशिप है, ना आपका संगठन है, ये सब चोरी का मामला अब सामने आया।